it is. यार सुबह सुबह कितना पता है अजीज मेरे भाई, यार तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राजेश मेरे भाई तू घबरा मत मेरे भाई, मैं आ गया हूँ यार। राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, तू घबरा मत। हाँ अरे मालूम है तुम्हें, आप ऐसे फिर से बोले ना तो मालूम था बहुत। राजेश मेरे भाई तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं डरता तभी नहीं तोड़ूंगा, तभी नहीं। बात क्या होता है राजेश मेरे भाई, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। राजेश ऐसा मत बोल यार। राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। अरे राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी भी नहीं। हाँ राजेश ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तू? राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तेरे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। अरे राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। हाँ तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। राजेश मेरे भाई तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। हेलो सर एंड हेलो एवरीवन, ये जो अभी करेक्टर मैंने किया है इसमें 10 एक ही डायलॉग को 10 डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस में बोलना था, उनका वीडियो करना था। मैंने इसमें शराबी का दिखाया है, सोते हुए सुबह सुबह सो के जग के उठता है, वहाँ उसका दोस्त पहुँचता है, उससे कुछ बात करता है, उसका दिखाया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग से मैंने ये किया था, करने की कोशिश किया मैंने। और अभी एक वरुण धवन की फिल्म आई थी जुड़वा 2, उसमें का एक करेक्टर था राजपाल यादव साहब किए थे वो तोतला वाला, उसको मैंने करने की कोशिश की है। शराबी का है, केयरिंग है, कहीं बचाने के लिए जाता है, पहुंचता है, इमोशनल हो जाता है, उसका है। तो 10 डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर मैंने उसमें करके अपनी तरफ से कोशिश किया मैंने और इस वीडियो को बनाया। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है, मैं बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो में, कि सर ने पूछा कि कौन सा कैरेक्टर है, कहाँ वो कौन सी जगह है जहाँ आप अटक जाते हैं और आपसे आपको लगता है कि मुझसे वो चीज़ें नहीं हो पाती है, आप वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे से। तो सर मुझे सबसे बड़ी समस्या, ये मेरी पर्सनल ही समस्या है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता, इसे मैं ही हटा सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या मैं ही टाइम है, मैं टाइम ही नहीं दे पाता हूँ एक्ट को, करेक्टर को, एक से दो बार, मतलब मेरी गलती है सर। नहीं तो अगर मैं कोशिश करूँ तो ऐसा कोई करेक्टर नहीं है जो मुझसे ना हो शायद, लेकिन अभी तो मैं कोशिश ही नहीं कर पाता हूँ टाइम का, बड़ा मैं भी मजबूर हूँ, इतने सारे काम हैं उसको भी करना पड़ता है, ये भी करना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि मैं अपना कंसंट्रेट करूँ काम पे और फोकस दूँ एक्टिंग पे और मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा, आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।